बातचीत करते हैं आईटी की। स्टॉक मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, मिड कैप इंडेक्स देखिए आउट परफॉर्म कर रही है डेज हाई पे, और सुनील सुमरिया मिड कैप की बात करें, लेकिन आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी है, 150 पॉइंट इंडेक्स गेन कर रही है। हम आपको कुछ डेटा दिखाते हैं। आईटी स्टॉक्स में अब इंक्रीजिंगली ये व्यू आ रहा है कि समय आ चुका है लेने का, रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव हो गया। एटलीस्ट 17 तारीख को इन्फोसिस के रिजल्ट आए थे, उस रिजल्ट का जो बॉटम बना था उस दिन, वहां से आईटी शेयर्स में ये देखिए तेजी, परसिस्टेंट 20%। आपको याद होगा या 18 स्वदेश में मॉर्निंग में ही हमने कहा था ये 25-25% ग्रोथ करने वाली कंपनी, इनकी भी इतनी पिटाई हो रही है जितनी इन्फोसिस की, क्या ये सही है? तो छोटी कंपनी जो है परसिस्टेंट KPIT 10-20% चल गई, 7-8% का रिबाउंड इन्फोसिस और TCS में ऑलरेडी आया है, लेकिन क्या गुंजाइश है प्योरली वैल्यूएशन के हिसाब से, या बाजार स्लो डाउन का जो फियर है उसको ओवर एस्टिमेट कर रहा है? ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई वॉइसेज अब ब्रोकरेजेस में आने लगी हैं कि रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है। हमारे साथ गिरीश सोदानी है। गिरीश, अगर आईटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे अच्छा आपको कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं इस समय, जो फैक्टर इन कर रहे हैं सारे स्लो डाउन का फियर? देखिए, क्योंकि आईटी अगर सेक्टर की हम बात करें तो हमें थोड़ा सा बड़ा व्यू रखना चाहिए, हमें थोड़ा सा चीजों को चेंज करके सोचने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आईटी ऑलरेडी यूएस मार्केट्स को लेके काफी दिक्कत में रहा है, ये सेक्टर प्रॉब्ली पूरी तरीके से दिक्कत रहा है। तो हम इसमें ना नए पोटेंशियल ऑप्शन ढूंढते हैं, हम एकदम टॉप एंड पे नहीं जाते हैं इन्फोसिस या फिर दूसरे परसिस्टेंस के ऊपर, हम इसमें मिड रेंज के स्टॉक्स को चूज करते हैं। जैसे अभी हमने लेटेस्ट में आप लोगों के साथ ही शेयर करा था विप्रो, एंड कल ही मैंने शेयर किया था 2000। ये दोनों स्टॉक्स मैंने इसलिए चूज करे थे क्योंकि मैंने इनकी बुक्स, इनके परसिस्टेंस, अपार्ट फ्रॉम डैट इनके जो नए एक्सपांशन आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम डैट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है मैनेजमेंट को लेके, डील बुक्स हैं उनको लेके कहीं पे भी थोड़ा सा हम लोगों के लिए पॉजिटिव था, तो उसी लेवल्स पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कंपनीज ऐसी रहती हैं जो नॉट द इंटरनेशनल मार्केट में ही अपने नए मार्केट्स को भी ढूंढने के लिए काफी कोशिश करती है, इसलिए ये स्टॉक्स को ज्यादातर हम लोग चूज करते हैं। आपकी टॉप पिक्स क्या है गिरीश, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सब मिला के दो तीन स्टॉक्स अगर बता के जाए एज अ हाउस? मेरे दोनों रिकमेंडेशन स्टिल स्टैंड रहेंगे, मैं बीसॉफ्ट और विप्रो में तो जाना ही चाहता हूँ, साथ में मैं टेक महिंद्रा जरूर एक चूज करूंगा। ओके, क्योंकि इसके रेट प्रपोजिशन काफी सही लगते हैं, मुझे यहाँ पे 1200 के एक लेवल जरूर दिखाई देता है कि 1200-1250 का एक लेवल जरूर दिख सकता है अगले 6 महीने के लिए, बिकॉज ऑन द डील बुक्स के लिए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनके डील बुक्स काफी इम्प्रूव हुई है, उस प्रपोजिशन में मुझे 1200 का एक टारगेट जरूर दिखाई देता है। ओके गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और आईटी स्टॉक्स पे ये व्यू अपना शेयर करने के लिए, हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए।